वेलकम स्टूडेंट्स, इस सेशन का टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। यानी इस लेसन के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम रिफ्लेक्स एक्शन को बता सकेंगे कि क्या होता है, और वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन के दरमियान फ़र्क कर सकेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन समझने से पहले जान लेते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। क्या होते हैं रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स वो सेल्स होते हैं जो आपके सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। यानी आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इस बारे में आपको रिसेप्टर सेल्स बताते हैं। पांच किस्म के रिसेप्टर सेल्स होते हैं। पहला होता है साइट, यानी देखना। दूसरा होता है टच, यानी छूना या महसूस करना। तीसरा होता है टेस्ट, यानी चखना या किसी चीज़ का जायका पता करना। चौथा होता है स्मेल, सूंघते हैं हम किसी चीज़ को। और पाँचवा होता है हेयर, यानी सुनना। ये पांच रिसेप्टर सेल्स होते हैं और इनके पांच ऑर्गन होते हैं। जैसे साइट के लिए अगर हम बात करें तो हम आइज़ का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी चीज़ का कलर देखते हैं, किसी चीज़ का शेप देखते हैं, तो हम अपनी आँखों के ज़रिए देखते हैं। दूसरा रिसेप्टर हमने बात करी टच, यानी महसूस करना। हमारी स्किन के ज़रिए हम महसूस करते हैं कि कौन सी चीज़ सॉफ्ट है, कौन सी चीज़ हार्ड है, कौन सी वेट है, कौन सी ड्राई है। तो ये हम जो है ना वो महसूस करके पता करते हैं। फिर उसके बाद हियरिंग पर आ जाए रिसेप्टर। हियरिंग हमें बताता है बारीक से बारीक साउंड भी जो है ना वो हम सुन पाते हैं। जैसे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी तक हम सुन सकते हैं। तो हमारा ईयर हमें बताता है कि किस तरह से जो है ना वो कौन सा साउंड हमारी तरफ आ रहा है। अच्छा, पांचवा जो हमने बात करी, जिस पे रिसेप्टर पे हमने बात करी, वो है स्मेल। स्मेल सूंघने में मदद करता है कि उसकी खुशबू क्या है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है। फिर टेस्ट आ जाता है, चखने में बताता है जायका कैसा है, खट्टा, कड़वा, मीठा कैसा है। तो ये सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होता है कि क्या है। इन्हीं रिसेप्टर्स को यूज़ करते हुए रिफ्लेक्स एक्शन भी काम करता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? एक क्विक रिस्पॉन्स होता है किसी भी चीज़ का, या किसी भी ऐसी सिचुएशन का जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसका एक क्विक रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक गर्म स्त्री है, हमने बेध्यानी में जो है ना उससे अगर छू लिया, तो हम फटाफट अपना हाथ, विद इन अ सेकेंड हम अपना हाथ जो है ना वो पीछे कर लेते हैं। वो एक्शन हम कॉन्शियस होकर नहीं कर रहे होते, अनकॉन्शियस एक्शन होता है। तो वो एक्शन हुआ कैसे? तो होता क्या है कि जब हमारी बॉडी डिटेक्ट कर लेती है कि हमारी बॉडी की तरफ कोई हार्मफुल चीज़ आ रही है, तो वो कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। रिस्पॉन्स क्रिएट करने का काम स्पाइनल कॉर्ड का होता है। ये वो रिस्पॉन्स होता है जो हमें हेल्प करता है। अब वो अगर हाथ हमारा पीछे नहीं होता तो वो स्त्री हमारी स्किन को जला देती। इसी तरह से गर्म पानी की तरफ अगर हमारा हाथ अचानक से हम पीछे कर लेते हैं, या जो है ना हम अचानक चलते चलते हमें कोई आवाज़ आती है और हम उस तरफ मुड़ के देख रहे होते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो एक सडन या एक क्विक रिस्पॉन्स होते हैं किसी भी सिचुएशन का, जो बॉडी डिटेक्ट करती है कि ये हार्मफुल हो सकती है।